टाइम 24 न्यूज जज्बा सच दिखाने का। यूपी के नोएडा के बाद अब बुलंदशहर में भी होम गार्डों की फर्जी ड्यूटी लगाकर घोटाला किए जाने का सहायक जिला कमांडेंट ने दावा किया है। सहायक जिला कमांडेंट का दावा है कि 25 मामले ड्यूटी लगाकर घोटाला करने के पकड़े और जांच रिपोर्ट जिला कमांडेंट को दी तो घोटाला खोलने पर तबादला करा दिया गया। यही नहीं, जिला होमगार्ड कमांडेंट पर घोटाला कराने का भी आरोप लगाया है। फिलहाल एसएसपी ने अनुपालन में 3 सदस्य जांच कमेटी गठित कर दी है और जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करने का दावा कर रहे हैं। ये है बुलंदशहर का जिला होमगार्ड कमांडेंट कार्यालय, जहां से जनपद भर में होमगार्डों की ड्यूटी लगाकर उनको वेतन दिलाया जाता है। मगर इसी कार्यालय में सेवारत रही सहायक जिला कमांडेंट पूनम वर्मा की माने तो बुलंदशहर में होमगार्डों की ड्यूटी लगाकर घोटाला व फर्जीवाड़ा पकड़ने का दावा किया है। पूनम वर्मा की माने तो ड्यूटी तो लगा दी जाती थी मगर होमगार्डों को भेजा नहीं जाता था। मेरा नाम पूनम वर्मा, मैं यहाँ पर एडीसी के पद पर थी, फिलहाल मैं यहाँ चार्ज देने आई हुई हूँ। और मैंने यहाँ पे बहुत बड़ा घोटाला और फर्जीवाड़ा पकड़ा था और कमांडेंट को बताया, उन्होंने ऊपर लिख के दिया कि, लेकिन वहाँ पे उन्होंने जो भी कुछ साजिश से करके उसको उसकी ड्यूटी तक पे आज तक रोक तक नहीं लगी। और मैंने यहाँ लड़कों का पैसा पकड़ा, एक भूपेंद्र थे और एक सुखपाल दो का मैंने पैसा भी जमा करा यहाँ 25,000 रुपये, जो वो ले गया था धनेश ले गया वहाँ से, उनके खातों से निकलवा लेते थे और एटीएम भी रहते थे उनके पास। पूरा घपला कैसे चलता था? पूरा घपला ये था कि जैसे कोतवाली पे लड़के चलते थे और भारी संख्या में लड़के लगते हैं वहाँ, तो जहाँ पर हमारी ड्यूटी यहाँ से भेजी नहीं जाती थी, मतलब वहाँ पे मस्टोल भेज के लड़के भेजे जा रहे ड्यूटियों पर, मस्टोल फर्जी बनाए जा रहे पीएनबी पे। एक जगह तो हमने थाने में लड़का भी पकड़वाया, मतलब जो सैन अड्डा है ना बैंक सैन अड्डे पे, वहाँ फर्जी लड़का जैसे होमगार्ड में ही नहीं था, वो ड्यूटी कर रहा था, दूसरा होमगार्ड को भेजा था, वो लड़का काम चला गया, उसने दूसरी फर्जी होमगार्ड बना के खड़ा कर दिया वहाँ पे। उसे हम पकड़ के लाए तो उसे वहाँ थाने में बंद करो, बहुत है 25 होंगे ऐसे 20-25 लड़कों का इन्होंने अपना वो बना रखा। अच्छा। जी हमारे पास उनकी वो मस्टोल वगैरह सब है। ड्यूटी कौन लगाता था ये? धनेश कुमार शर्मा लगाते थे। क्या है ये? ये कंपनी कमांडर है वैतनिक। अच्छा, आपने अपनी जांच कमांडेंट को दी थी, उसके बाद क्या हुआ पूरी? उसमें अभी तक कुछ नहीं हुआ जी। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ और मेरा यहाँ से ट्रांसफर और कर दिया गया। सही नहीं, बाकायदा 20 से 25 फर्जी होमगार्ड जांच के दौरान पकड़े गए। सारा घोटाले का आरोप कंपनी कमांडर धनेश शर्मा पर लगा रही है। पूनम वर्मा की माने तो 20 महीने के अंदर कई सालों से चल रहे होमगार्डों के फर्जीवाड़े की शिकायत उच्च अधिकारियों से की मगर किसी ने नहीं सुनी। हालांकि पूनम वर्मा तबादला होने की एटा से आज बुलंदशहर कार्यभार सौंपने आई थी। बुलंदशहर के एसएसपी ने आनन-फानन में होमगार्डों के मास्टर रोल की जांच करने के लिए एसपी क्राइम के नेतृत्व में 3 सदस्य जांच टीम गठित कर दी है और मामले की जांच के बाद यदि मामले में घोटाला पाया जाता है तो वैधानिक कार्रवाई करने का बुलंदशहर के एसएसपी दावा कर रहे हैं। देखिए, कई जनपदों से सूचना प्राप्त हुई कि होमगार्ड्स जो ड्यूटी पे नहीं भी जाते हैं या ड्यूटी पे नहीं रहते हैं उनका भी भुगतान किया जा रहा है। तो इस तरह की कोई संभावना अपने जनपद में है या नहीं है, इस बात की जानकारी के लिए मैंने एक टीम गठित की है जो पूरे जनपद में जितने भी होमगार्ड ड्यूटी में रहे हैं उनका वेरिफिकेशन करेगी या जितने होमगार्ड्स का मास्टर रोल जो है उनके विभाग के द्वारा तैयार किया गया है उनका वेरिफिकेशन करेगी कि क्या उन्होंने ड्यूटी दी है या नहीं। अगर ड्यूटी दी है तो अच्छी बात है, अगर नहीं दी है तो उसमें अग्रिम जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो हम सुनिश्चित करेंगे। एडिटर चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, टाइम 24 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।